हाय एवरीवन, सो फाइनली द मोमेंट हैज कम जिसका हम काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे। आपके HPPSC ने HAS की और भी कई पोस्ट हैं जिनकी यहाँ पर नोटिफिकेशन आउट की है। सो जैसा हम देख सकते हैं, हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज कंबाइंड कंपटीशन एग्जामिनेशन का यहाँ पर नोटिफिकेशन आउट किया गया है। सो 2020 आप ईयर देख सकते हैं का एक साल पीछे ऑलरेडी HPPSC चल रहा है, दैट्स वाई इसको 2020 कहा जा रहा है। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें हैं नोटिफिकेशन में जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि एक तो है क्लोजिंग डेट। जो आपकी क्लोजिंग डेट है आपकी फीस की भी और एप्लीकेशन की भी, वो 15 जून है। सो सिंस हमने पहले देखा था, एक और नोटिफिकेशन आई थी जिसमें 25 जुलाई आपका एग्जाम रखा गया था, लेकिन सिंस वी नो पेंडेमिक इज गोइंग ऑन, इसको जो है आगे यहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा, एग्जाम जो है आगे जाएगा। लेकिन जो फॉर्म भरने की डेट है दैट इज 15th of June। अब ये जो यहाँ पर लिंक दिया गया है ये आपका नोटिफिकेशन में है, जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ऑनलाइन आप अपना एप्लीकेशन यहाँ पर फिल कर सकते हैं। डेट बहुत दूर है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि लास्ट डेट के लिए छोड़ना है। क्या होता है, अक्सर लास्ट के डेट्स में कुछ इशू आ जाता है आपके एलिजिबिलिटी में, आपके जो आपने वहाँ पर डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं उनको आप फिर रिजॉल्व नहीं कर सकते हो। इसी के लिए जितना जल्दी हो सके इसको यहाँ पर आपने फिल करना है। अब इस नोटिफिकेशन में और कुछ बातें की गई हैं, जैसे कि जैसे अगर आप हिमाचल से नहीं हैं, हिमाचल बोनाफाइड नहीं हैं, तो अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी भी हैं उसका फ़ायदा आप यहाँ पर नहीं उठा सकते हैं। यानी कि इफ़ यू बिलोंग फ्रॉम ST, SC और OBC फ्रॉम दी अदर स्टेट, अगर आप हिमाचल का ये एग्ज़ाम भर रहे हैं तो इसमें आपको रिजर्व का फ़ायदा नहीं मिलेगा, आप जनरल कैटेगरी में ही इसको भर सकते हैं। उसके अलावा नंबर ऑफ पोस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप टोटल देखेंगे 16 पोस्ट हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन इसमें यहाँ पर एक और जो पॉइंट दिया गया है दैट इज नंबर 6th पॉइंट। तो यहाँ पर लिखा गया है कि जो ये आपकी पोस्ट है ये टेंटेटिव है, दे मे इंक्रीज और डिक्रीज टाइम टू टाइम, इसको जो है वापस से अपडेट किया जा सकता है। लेकिन स्टिल हम देखेंगे यहाँ पर जो एक सबसे इंपॉर्टेंट आपकी पोस्ट रहती है HP एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जो जिसके लिए आप सब लोग तैयारी कर रहे हैं, इसमें आपकी टोटल 8 नंबर ऑफ पोस्ट 8 हैं, जिसमें से 4 अनरिजर्व्ड हैं। देन कम्स वन मोर, जो आपके फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स ने यहाँ पर एक पोस्ट दी है डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर की। देन इज आपका हिमाचल प्रदेश पुलिस सर्विसेज। अब पुलिस सर्विसेज में एक छोटी सी चीज़ क्या थी कि जो एक्स सर्विसमैन थे वो कह रहे थे कि हमें, सिंस और लोगों को नंबर ऑफ अटेम्प्ट ज़्यादा दिए जाते हैं, हमें भी ज़्यादा चाहिए। तो पुलिस सर्विसेज में यहाँ पर जो है अच्छे से मेंशन फिर से नोटिफिकेशन में किया गया है, दे शैल नॉट बी परमिटेड फॉर दी 3 टाइम्स, मोर देन द 3 टाइम्स अटेम्प्ट वो यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज़ की उम्मीद थोड़ी आपकी जो एक्स सर्विसमैन थे उनको थी, लेकिन यहाँ पर नोटिफिकेशन में उसको मेंशन नहीं किया गया है। एक आपकी हमें तहसीलदार की पोस्ट देखने को मिलती है एंड 2 यहाँ पर असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट हैं। सो ये आपकी टोटल 16 नंबर ऑफ पोस्ट इस नोटिफिकेशन में दिए गए हैं। सेंटर्स की अगर हम बात करें उनको भी मेंशन किया गया है, आपका बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, धर्मशाला, पालमपुर, मंडी, शिमला, नाहन, सोलन, ऊना और सुंदरनगर। सो ये सारे के सारे यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। अब जब आप इस साइट को यहाँ पर विजिट करेंगे, वहाँ पर एप्लीकेशन भरेंगे, एप्लीकेशन में आप अपना सेंटर भी भरेंगे और अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट भी भरेंगे। सो यहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की भी लिस्ट दी गई है, इसको आप एक बार एप्लीकेशन भर लेंगे तो चेंज नहीं कर सकते हैं, तो इसको बहुत ही ध्यान से यहाँ पर भरना है। उसके अलावा और क्या हम देखते हैं, फी स्ट्रक्चर। अब फी स्ट्रक्चर जो है यूजुअली हमारा सेम ही रहता है, लेकिन जो जनरल कैटेगरी है वो एक बार फिर से देख लेते हैं, उनको 400 रुपीज़ है। देन इज दी जो कैंडिडेट्स फ्रॉम दी अदर स्टेट्स, उनको भी 400 रुपीज़ हैं। देन इज योर ST, SC, OBC फ्रॉम HP या फिर आपके जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस रहते हैं या फिर जो आपके एक्स सर्विसमैन है जो इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उन लोगों के लिए फीस है 100। एंड दी एक्स सर्विसमैन ऑफ हिमाचल, उनकी कोई भी फीस नहीं है। उसके अलावा वी नो फॉर वुमेन, फॉर फीमेल्स इट इज़ ऑलरेडी नो फी। सो इस तरीके से आपका कुछ इसका फी स्ट्रक्चर रहता है। सो नेक्स्ट कम, व्हाट इज़ दी एक्सपेक्टेड डेट। सो देखिए, अभी बात नहीं कर सकते हैं इसके बारे में सिंस COVID-19 का फेज चल रहा है, लॉकडाउन में ऑलरेडी कंट्री है, पार्शल लॉकडाउन लगे हुए हैं, सेकेंड वेव आई थी, अब हम थर्ड वेव की भी बात कर रहे हैं। सो ये इसके ऊपर ही डिपेंड करेगा किस तरीके के हालात रहते हैं, उसी के ऊपर जो है आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। सिंस पहले आपकी 25th of July डेट थी, लेकिन अब जो है वो नहीं है, इसका मतलब ये है एटलीस्ट आपके पास 2, 3 या फिर 4 महीने ऑलरेडी हैं प्रिपरेशन के लिए।
सो फॉर्म फिल कीजिए, उसके बाद में आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या फिर मुझे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम एक छोटी सी सीरीज इसके बाद में चलाएंगे, जो भी आपके डाउट्स हैं इस नोटिफिकेशन को लेकर, क्वालिफिकेशन को लेकर, या आपकी जो एलिजिबिलिटी रहती है, देन फाइनल ईयर के जो बच्चे हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं नहीं, इस तरीके के क्वेश्चन कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम उसके ऊपर छोटे छोटे आपके जो वीडियोज़ हैं उनको मैं लेके आ सकूँ और आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो जब भी आप जो हैं इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं। सो गाइज, ऑल द बेस्ट एंड कीप स्टडिंग।